20 और 22 सितंबर 2020 को भारत की संसद ने कृषि संबंधी 3 विधेयकों को पारित किया। 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए। इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कानूनों के जरिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधित खेती, खदानों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार होगा। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से बाजार के भरोसे रहना होगा। किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि तीनों नए कानूनों में एपीएमसी मंडियों के बंद करने या एपीएमसी सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल ही नहीं है, लेकिन किसानों को डर है कि इन कानूनों के जरिए निजी कंपनियों के इस बाजार में आने से अंत में यही होना है। उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा कम सीटें जीतने की ओर ध्यान दिलाते हुए दावा किया है कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव भी हार सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में आज भी गन्ना किसानों का 23,000 करोड़ रुपए बकाया है। किसान मोर्चों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि बीजेपी का जो हाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ है, वही हाल आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा। उन्होंने जींद में उछान गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में तीनों नए कृषि कानूनों को सही ठहराएगी, किसान उसका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। टिकेट ने बंदोवला टोल प्लाजा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा, हमें चुनाव के दौरान अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि एक और सरकार चुनाव की तैयारी करेगी, दूसरी तरफ हम सरकार को सबक सिखाने की तैयारी करेंगे। किसान आंदोलन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापक तौर पर पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश मेरठ में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे आंदोलनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान कृषकों के मुद्दे की बात करते करते वो प्रदेश की सियासत पर फोकस करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर जनता को अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दे, जिसको चाहे वोट दे लेकिन उनको वोट ना दे। टिकैत ने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पे बीजेपी का नाम नहीं लिया, बल्कि इनको का इस्तेमाल बार बार कर रहे थे। ये देखना रोमांचक होगा कि किसान आंदोलन का आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा।